on the beat. Fools like them, they suss me out and then they... नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश, सिटी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, ये मेरे घर पर एक गमला है, उसमें ये नारंगियाँ लगी थी और लगभग आप देखेंगे कि ये चीज़ बाज़ार में अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। ये लोग शौकिया तौर पे ऑर्नामेंटल फ्रूट के नाम पे घर पर इसको डेकोरेशन के लिए उगाते हैं और इसको देख के खुश भी होते हैं, परंतु उसके बाद क्या करें ये बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत खट्टी होती हैं, परंतु एक अपवाद है कि इसका छिलका बहुत मीठा होता है। तो आज मैं इन नारंगियों से बनाने जा रहा हूँ इनका झटपट बनने वाला जैम। तो बस इसके लिए, इसके साथ में मैं डालूँगा इस जैम के अंदर में आंवला भी डालूँगा। तो आंवला और नारंगी मिला के आप अलग अलग भी बना सकते हैं, पर मैं इकट्ठा बना रहा हूँ। तो बस इनको मैं फटाफट नारंगियों को धो के काट के और इनके बीज निकाल के मिलता हूँ। तो बस मैं यूं गया और यूं आया। तो लीजिए दोस्तों, ये नारंगियां तो मेरी झटपट कट गई हैं क्योंकि थोड़ी थी। अब देखो इसके अंदर में इसके बीज बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को क्योंकि इसको छिलके समेत प्रयोग करना है तो मैं इनको ऐसे दबाता जाऊँगा और सारे बीज ऐसे ही निकाल लूँगा और इसका जूस जो है इसका नीचे स्टेन, जो थोड़ा बहुत जूस है वो नीचे स्टेन हो जाएगा और इस हिसाब से इसका बीज भी आसानी से निकल जाएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा शॉर्टकट। तो मैं झटपट इन सबको ऐसे बीज निकाल के मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे बीज निकल गए हैं और ये मैंने सारी नारंगियों को छिलके समेत ही आड़ा टेढ़ा रेंडमली ही काट लिया है, क्योंकि अभी इसको मैंने पकाना भी है और ये इतनी टेंडर होती हैं और इसका छिलका भी इसी में सारा काम आ जाएगा। तो ये बनने के बाद में जब ये इसका जैम या सॉस जो भी बनेगी उसको हम विविधता से प्रयोग कर सकते हैं, मिला सकते हैं, सॉरी फॉर माय फंबल, जैसे जैम डाइल्यूट करेंगे तो सॉस आप टार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी केक डेकोरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेड जैम। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छे से बना के किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला अपवाद है इसका, ये बहुत खट्टी होती है परंतु इसका छिलका थोड़े मीठेपन पे होता है और इसके छिलके के अंदर में अगर मीठापन है तो छिलके का, जैसे कि संतरा कीनू हुए, तो उसके अंदर से वाइट पोर्शन निकालना पड़ता है उसके छिलके में से, जो कि इसमें रत्ती भर में नहीं होता। तो ये एक बेनिफिट आ जाता है इसका। और मैं इसको बनाने जा रहा हूँ आंवले के साथ में। तो आंवला भी एसिटिक है और ये भी एसिटिक है, यानी कि दोनों ही सिट्रिक नेचर के हैं और दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनने वाला है। ये मुरब्बे के हिसाब से भी बना सकते हैं आप, पर मैं तो इनको अभी जैम या इसकी सॉस बनाने जा रहा हूँ। तो बस इसके लिए मैंने आंवले ऑलरेडी उबाल लिए हैं, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि कैसे आंवलों को उबाल के उसका हमने कैंडी बनानी है या हमने चटपटा आंवला बनाना है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो अभी मैं सिर्फ रेसिपी को या वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए सीधा ही मैं आता हूँ अगले प्रोसेस पे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आंवले की ऑलरेडी मेरी कैंडी मैंने इसमें ब्लांच करके रखी हुई है, क्योंकि आंवला जो है नारंगी से थोड़ा ज़्यादा हार्ड था, तो पहले मैंने आंवले को ही टेंडर किया है और अब ये मैं सारे के सारा नारंगी और उसका जूस इसी में डाल दूँगा और अब इनको अच्छे से पकाते हुए इनका एक रिडक्शन बना लूँगा, यानी कि इनको थोड़ा सा कंसंट्रेट करूँगा। और ये जो सिरप है ये सारा का सारा शुगर का ही है। तो देखिए, दोनों के मिलने से आंवले और नारंगी के रंग से क्या बनता है, बनते ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बस अब इसको मैं आँच पे, बहुत तेज हाई आँच पे नहीं, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर में, अगेन सॉरी फॉर माई फंबल, इसके ऊपर इसको मैं रिड्यूस करूँगा ताकि ये आपस में घुल मिल भी जाए और नारंगी पक भी जाए। तो बस शुरू करते हैं, ये लीजिए। और बस जैसे ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है इसको मैं आपके साथ 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 शेयर करता हूँ। ये देखिए अभी कितनी सुंदर लग रही हैं। आप इसको जैसे नींबू का अचार बढ़ता है वैसे भी बना सकते हैं, अचार भी बहुत अच्छा बन जाता है इसका, डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं।
चटपटा या चटपटा खट्टा मीठा। तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ क्योंकि चटपटा तो मेरे पास बहुत तैयार हो पड़ा है, कैंडी भी तैयार पड़ी है, तो अब मैं इसका ये जैम मॉमलेट स्टाइल में बनाने जा रहा हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब इसके अंदर में ये जितना मेरा आंवला और जितनी मेरी नारंगी थी मैंने उतनी ही चीनी ले ली है, और इसको मैं अब एक बार अच्छे से मिला के, क्योंकि अदरवाइज़ अगर चीनी और नहीं मिले, हालांकि पहले ही शुगर सिरप से चल रहा था, परंतु ये बहुत खट्टा हो जाएगा। और एक छोटी सी चीज़ और इसके अंदर में पकाते पकाते मैं इसमें डालने जा रहा हूँ, ये बस ये एक टुकड़ा दालचीनी का, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इससे और फ़ायदेमंद तो है ही दालचीनी। तो बस इसके अब इन दोनों को मिला के अच्छे से मैंने थोड़ा सा और कुक करना है ताकि ये उस लेवल पे आ जाए कंसंट्रेट होके, ताकि इसकी रिडक्शन की वजह से ये बस ये अपना जैम की सिचुएशन में आ जाए, और फिर उसको एक बार और देखूंगा कि गाढ़ा करना है नहीं करना ठंडा होने पे। तो बस वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये चीनी का काम है, चीनी ठंडे होते होते ठंडी होती है। तो बस ये देखिए, पर अभी देखिए अभी से कितना सुंदर रंग आया है। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें तो ये मुरब्बे का काम करेगा, इसमें आप और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गाजर डाल दिया आपने, बेल डाल दिया, तो उसका मुरब्बा बन जाएगा। और अभी भी देखिए इतने बीज निकाल दिए मैंने, परंतु अभी भी देखिए बीज आ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी हमने कि हमने बीजों को भी बीज बीज में अगर एक आधा दिख जाए तो उसको निकालना है। हालांकि मैं चलाते चलाते इसमें से 8-10 ऑलरेडी एक बार निकाल चुका हूँ, निचोड़ने के बावजूद ऐसे छुप जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में। तो बस इसको रिड्यूस करते ठंडा होते इसका जो भी नेक्स्ट रिज़ल्ट आता है वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, पर ठंडा होने के बाद। दोस्तों एक छोटा सा सजेशन या टिप या ट्रिक और, जब भी हम इसको रिडक्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इसको कवर नहीं करना, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी काफ़ी पक चढ़ रहे हैं, परंतु क्या होगा इसमें चीनी के अंदर में उफान आने से जैसे दूध उबल के बाहर आ जाता है, ये भी उबल के बाहर आके गैस का मैस कर सकती है, यानी कि गड़बड़ झाला, और ये चीनी को छुड़ाने में काफ़ी मेहनत लग जाएगी ठंडा होते होते भी। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको पकाते टाइम इसको कवर नहीं करना है, अगर कवर करना भी पड़े तो किसी ऐसी चीज़ से करिएगा जिसमें जाली हो, जैसे कि कोई जाली वाली छलनी हो या कुछ हो, पर ज़रूरत क्यों है, इसको ऐसे ही पकाते हुए रिड्यूस करिए ताकि ये उफन के बाहर ना आए। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी टिप। दोस्तों ये मेरा आंवला नारंगी का ये जो मेरा जैम था, ये देखिए मामलेट एकदम तैयार हो गया, और पता लग रहा है कि कहाँ आंवला है और कहाँ नारंगी है, और देखिए रंग कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल बाजार के जैम जैसा, और देखिए ठंडा होते होते कितना गाढ़ा पड़ गया है। और जब मैंने उतारा था तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम ले लेगा ये अपने आप को गाढ़ा करने के लिए, और बस उसी चक्कर के अंदर में हम इसको ओवर कुक कर देते हैं, तो वो नहीं करना है ताकि ऐसा ना हो कि ये फिर बिल्कुल फोंडांत ही बन जाए, यानी कि बिल्कुल ही ऐसा चिक्की जैसा ना बन जाए। तो ये देखिए बस अब इसको ठंडा होते ही मैं इसको स्टोर कर लूँगा एक कांच के या स्टील के बर्तन में जिसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। और दोस्तों इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर ही रखिए रूम टेम्परेचर में, ये कहीं नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर में ये नारंगी और आंवला दोनों ही सिट्रिक प्रॉपर्टी के हैं, एसिटिक प्रॉपर्टी के हैं, तो प्रिजर्वेटिव का काम अच्छे से करेंगे। और वैसे भी इतना सारा तो बनाया ही नहीं है, जब तक ये शेल्फ लाइफ के हिसाब से चलूँगी तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नई ट्विट नई टिप नई ट्रिक नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ में। तब तक आप भी बनाते रहिए, खाते रहिए, पचाते रहिए और मौज मनाते रहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली,
ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। हाँ, इसकी बॉटलिंग ध्यान से कीजिएगा, बॉटल स्टेरलाइज हो तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बस बर्तन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पुराना लिया ताकि इसको रगड़ के साफ़ करने में दिक्कत ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल। आपका दिन शुभ हो। बाय।